हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2020 काउंसलिंग को मद्देनजर रखते हुए कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी फीस स्ट्रक्चर पब्लिश की है। तो वो कौन कौन से डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनकी फीस स्ट्रक्चर, ब्रांच वाइज फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, शेयर करेंगे। कुछ जो क्लिनिकल ब्रांचेस हैं उनकी मैं फीस स्ट्रक्चर आपको इन कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा। बाकी अगर कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर आपको देखनी है नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए भी या फिर अदर ब्रांचेस के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप करियर मीडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.careermedia.net पे जाकर के भी आप इन फीस स्ट्रक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। तो जो कॉलेज जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अपनी फीस स्ट्रक्चर 2020 के लिए पब्लिश की है, उसमें सबसे पहला है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, केएमसी मणिपाल। केएमसी मणिपाल की अगर एनेस्थीसिया की फीस देखें तो पर ईयर फीस है 19,80,000 रुपीज और कंप्लीट पैकेज बनती है, 3 साल की जो कंप्लीट पैकेज बनती है वो बनती है 59,50,000 रुपीज। उसी तरीके से अगर डर्मा की बात करें तो डर्मेटोलॉजी की पर ईयर फीस बनती है 26 लाख पर एनम और कंप्लीट पैकेज की अगर बात करें तो 78,10,000 रुपीज कंप्लीट पैकेज बनती है। जो सबसे ज्यादा फीस है केएमसी मणिपाल में वो रेडियो डायग्नोसिस की है। रेडियो की जो फीस बनती है वो 30,80,000 रुपीज पर एनम बनती है और कंप्लीट पैकेज अगर देखें तो 92,50,000 रुपीज की कंप्लीट पैकेज बनती है। बाकी जो अदर ब्रांचेज हैं ओबीजी वगैरह जो क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल ब्रांचेज हैं उसके लिए जैसा मैंने आपको बताया कि करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगी। अगली जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने अपनी फीस पब्लिश की है वो है पिम्स लोनी, परावरा लोनी। परावरा लोनी की जो क्लिनिकल सब्जेक्ट की फीस है वो सभी क्लिनिकल की फीस बिल्कुल सेम है, बराबर है, वो है 25 लाख रुपए की। तो आप जनरल मेडिसिन की बात करें, पीडियाट्रिक्स की बात करें, रेडियो डायग्नोसिस की बात करें, ऑप्थल की बात करें, ईएनटी की बात करें, ऑर्थोपेडिक्स की बात करें या ऑप्स गायना की बात करें, इन सभी ब्रांचेस की जो फीस है वो सेम है, 25 लाख पर एनम। और नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में जो मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच है वो है पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी की फीस है 15 लाख पर एनम। एनेस्थीसिया की फीस है 20 लाख पर एनम। तो अगर आप देखेंगे तो 15 लाख से लेकर के जो नॉन क्लिनिकल ब्रांच है पैथोलॉजी उसकी जो फीस है वो 15 लाख है और जो क्लिनिकल ब्रांचेस हैं उनकी फीस है 25 लाख रुपीज और पर एनम, और एनेस्थीसिया की फीस है 20 लाख रुपीज पर एनम। तो ये बात हो गई लोनी की। अगली जो कॉलेज है जिन्होंने अपनी फीस पब्लिश की है वो है एमएम मौलाना हरियाणा के का ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है और इस कॉलेज की एनेस्थीसियोलॉजी की फीस है 15,95,000 रुपीज पर एनम। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की फीस है 25,95,000 रुपीज पर एनम। साइकेट्री की फीस है 25,95,000 रुपीज पर एनम। जनरल सर्जरी की भी फीस सेम है 25,95,000 रुपीज। जनरल मेडिसिन की भी सेम है जनरल मेडिसिन की फीस है 29,95,000 रुपीज। ऑप्थल की फीस है 29,95,000 रुपीज पर एनम। ऑर्थोपेडिक्स की फीस है 29,95,000 रुपीज। ओबीजी की फीस है 31,95,000 रुपीज पर एनम। पीडिया की फीस है 29,95,000 रुपीज पर एनम। डर्मा की फीस है 36,95,000 रुपीज पर एनम और रेडियो की फीस है 39,95,000 रुपीज पर एनम। तो अगर आप क्लिनिकल ब्रांचेस में बात करेंगे तो 15,95,000 रुपीज से लेकर के 39,95,000 रुपीज तक की फीस जाती है, जिसमें सबसे अधिक फीस रेडियो डायग्नोसिस की है 39,95,000 रुपीज और उससे जो कम फीस है वो डर्मा की है 36,95,000 रुपीज पर एनम। तो ये हो गई एमएम मौलाना की। एमएम मौलाना की अगर बात करें हॉस्टल्स की और स्टाइपेंड की बात करें तो इन्होंने अपने हॉस्टल और यूनिवर्सिटी फीस भी बताई है। तो यूनिवर्सिटी फीस जो है वो आपको एनुअली 26,500 रुपीज की यूनिवर्सिटी फीस देनी होती है और सिक्योरिटी अमाउंट है 50,000 रुपीज की, जो कि रिफंडेबल अमाउंट है, वो वन टाइम अमाउंट होती है। सिक्योरिटी अमाउंट जो आपको फर्स्ट ईयर में देनी होती है वो अमाउंट 50,000 रुपीज की है, वो आपको बाद में रिटर्न कर दिया जाता है। और एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्जेस है जो कि नॉन रिफंडेबल होती है और उस नॉन रिफंडेबल जो फीस है वो है, वो जो चार्जेस हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वो है 40,000 रुपीज की। हॉस्टल चार्जेस की अगर बात करें तो हॉस्टल चार्जेस यहाँ पे एमएम मौलाना में 2,15,000 रुपीज पर एनम। सिंगल ऑक्यूपेंसी अगर आप लेते हैं, सिंगल बेड की अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो 2,15,000 रुपीज की हॉस्टल है और अगर डबल ऑक्यूपेंसी लेते हैं तो 1,50,000 रुपए की, 1,50,000 रुपीज की आपकी यहाँ की हॉस्टल है। तो ये तो बात हुई एमएम मौलाना की। अगली जो कॉलेज है वो कॉलेज है आपकी
सम हॉस्पिटल भुवनेश्वर, सम हॉस्पिटल की जब हम बात करते हैं तो रेडियो डायग्नोसिस, ऑर्थोपेडिक्स, ओबीजी स्किन यानी डर्मा की अगर बात करें तो सबकी फीस है 30 लाख पर एनम। जनरल मेडिसिन पीडिया की बात करें तो 25 लाख रुपीज पर एनम। जनरल सर्जरी, एनेस्थीसिया, ऑप्थेमोलॉजी, ईएनटी, टीबी एंड चेस्ट, साइकेट्री की बात करें तो 19.80 रुपए पर एनम है। और पैथोलॉजी की बात करें तो 10 लाख रुपए पर एनम है। तो ये बात हुई सम हॉस्पिटल की। सम हॉस्पिटल की कुछ और चीजें जो इन्होंने बताई है वो भी देख लेते हैं। स्टाइपेंड, स्टाइपेंड जो सम हॉस्पिटल की वो भी अच्छी स्टाइपेंड देते हैं। 49,000 रुपीज फर्स्ट ईयर की स्टाइपेंड है, सेकंड ईयर की स्टाइपेंड है 51,000 रुपीज और थर्ड ईयर की स्टाइपेंड है 53,000 रुपीज। इसके अलावा अगर हॉस्टल की बात करें आप सम हॉस्पिटल की तो नॉन एसी सिंगल रूम हॉस्टल जो है वो आपको मिलेगा 1,60,000 रुपीज की। नॉन एसी सिंगल रूम सिंगल ऑक्यूपेंसी जो है वो नॉन एसी हॉस्टल के जो चार्जेस हैं वो हैं 1,60,000 रुपीज। नॉन एसी डबल ऑक्यूपेंसी अगर आप लेते हैं तो 80,000 रुपीज के हॉस्टल चार्जेस हैं। एसी डबल ऑक्यूपेंसी अगर आप लेते हैं तो 1,20,000 रुपीज की चार्जेस हैं, एसी के चार्जेस हैं, एसी रूम के चार्जेस हैं, हॉस्टल फीस है। और एसी सिंगल रूम अगर आप लेते हैं तो 2 लाख रुपीज की चार्जेस हैं। इसके अलावा जो मेस फीस है वो भी 36,000 रुपीज की मेस फीस भी इन्होंने डिक्लेयर की है। इसके बाद संतोष मेडिकल कॉलेज, जो कि संतोष मेडिकल कॉलेज ने भी अपनी फीस स्ट्रक्चर रिलीज की है। एनेस्थीसिया की 8 लाख, एनेस्थीसिया की टोटल जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो है 32 लाख रुपीज पर एनम, जिसे आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। फर्स्ट क्वार्टर इंस्टॉलमेंट, सेकंड क्वार्टर इंस्टॉलमेंट, थर्ड क्वार्टर इंस्टॉलमेंट और फोर्थ क्वार्टर इंस्टॉलमेंट 8-8 लाख रुपए को की जो इंस्टॉलमेंट है वो उसे डिवाइड की गई है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 8 लाख, सेकंड क्वार्टर में जो आपको इंस्टॉलमेंट देनी होगी वो भी 8 लाख की, थर्ड क्वार्टर की जो इंस्टॉलमेंट देनी होगी वो भी 8 लाख की और फोर्थ क्वार्टर की जो इंस्टॉलमेंट है वो भी 8 लाख की। टोटल अगर एनेस्थीसिया की पर ईयर फीस देखें तो 32 लाख रुपीज की पर ईयर फीस आती है एनेस्थीसिया की। जनरल मेडिसिन की अगर बात करें तो जनरल मेडिसिन की 45 लाख रुपीज पर एनम है। पीडिया की भी 45 लाख रुपीज पर एनम है। साइकेट्री की 30 लाख रुपीज पर एनम है। टीबी एंड चेस्ट की 40 लाख रुपीज पर एनम है। ईएनटी की 30 लाख रुपीज पर एनम है। जनरल सर्जरी की 40 लाख रुपीज पर एनम है। ओबीजी की भी 45 लाख रुपीज पर एनम है। ऑप्थल की 35 लाख रुपीज पर एनम है और ऑर्थोपेडिक्स की 45 लाख रुपीज पर एनम है। इसके अलावा जो भी ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस की भी फीस स्ट्रक्चर दी गई है, आप डाउनलोड कर सकते हैं करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से। इसके बाद आते हैं येनोपिया मेडिकल कॉलेज। येनोपिया मेडिकल कॉलेज ने भी अपनी, ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है और इसने भी, इस कॉलेज ने भी अपनी फीस स्ट्रक्चर जारी कर दी है। तो पैथोलॉजी की अगर बात करें तो पैथोलॉजी की जो टोटल फीस पड़ती है कंप्लीट पैकेज वो 36,30,000 रुपीज की कंप्लीट पैकेज पड़ती है। एमडी एनेस्थीसिया की बात करें 36,30,000 रुपीज ये कंप्लीट पैकेज पड़ती है। अगर आप ईयर वाइज देखेंगे पैथोलॉजी की फीस तो 12,10,000 रुपीज की फीस पर ईयर आती है। अगर एनेस्थीसिया की बात करें तो 81,30,000 रुपीज की का कंप्लीट पैकेज पड़ता है, जिसमें 27,10,000 रुपीज पर ईयर फीस है। साइकेट्री की बात करें तो सेम है एनेस्थीसिया की जैसे ही, 27,10,000 रुपीज पर ईयर फीस है कंप्लीट पैकेज, 81,30,000 रुपीज की कंप्लीट पैकेज पड़ती है। ईएनटी की बात करें तो 28,60,000 रुपीज पर ईयर फीस है कंप्लीट पैकेज, 85,80,000 रुपीज की कंप्लीट पैकेज पड़ती है। ऑप्थल की बात करें तो सेम 85,80,000 रुपीज की कंप्लीट पैकेज पड़ती है पर ईयर फीस, 28,60,000 रुपीज। जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन की भी जो पैकेज है वो बिल्कुल सेम है 85,80,000 रुपीज की, जिसमें अगर पर ईयर फीस की बात करें तो 28,60,000 रुपीज पर ईयर फीस आती है। ओबीजी की भी, ओबीजी और पीडिया भी सेम है, 85,80,000 रुपीज की कंप्लीट पैकेज पड़ रही है, जिसमें पर ईयर फीस 28,60,000 रुपीज। डर्मा और रेडियो की अलग है। डर्मा और रेडियो की जो कंप्लीट पैकेज बन रही है वो है 96,30,000 रुपीज पर ईयर फीस, 32,10,000 रुपीज की रेडियो और डर्मा की पर ईयर फीस है। तो ये येनोपिया की बात हो गई। अगली जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिन्होंने अपनी फीस स्ट्रक्चर पब्लिश की है वो है केएस हेगड़े। केएस हेगड़े मेडिकल कॉलेज की जो पैथोलॉजी की फीस है वो है कंप्लीट पैकेज 24,80,000 रुपीज की, जिसमें फर्स्ट ईयर आपको 8 लाख रुपीज और 8,000 रुपीज एज यूनिवर्सिटी फी देनी पड़ेगी। 8 लाख रुपीज पर ईयर फीस है और फर्स्ट ईयर में आपको यूनिवर्सिटी फीस भी देनी पड़ेगी, जो कि 8,000 रुपए की यूनिवर्सिटी फीस है। अगर कंप्लीट पैकेज आप देखेंगे पैथोलॉजी की तो 24,08,000 रुपीज येनोपिया की कंप्लीट पैकेज है। साइकेट्री, एनेस्थीसिया, पल्मोनरी मेडिसिन की
जो कंप्लीट पैकेज है वो है 54,08,000 रुपीज। अगर आप ईयर वाइज देखेंगे तो फर्स्ट ईयर में 18 लाख रुपीज प्लस 8,000 रुपीज आपको यूनिवर्सिटी चार्जेस देने पड़ेंगे और 18 लाख रुपीज की फीस है। सेकेंड ईयर से 18 लाख रुपीज की फीस, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 18 लाख रुपीज की फीस। उसी तरीके से जनरल मेडिसिन की अगर बात करें तो 72,08,000 रुपीज की कंप्लीट पैकेज बन रही है, जिसमें जनरल मेडिसिन की जो फीस है वो 24 लाख रुपीज पर एनम है। ऑप्थल ENT OBG और सर्जरी की अगर बात करें तो इनकी भी जो कंप्लीट पैकेज बन रही है वो बन रही है 72,08,000 रुपीज की, जिसमें 24 लाख रुपीज पर एनम फीस है। रेडियोपीडिया और डर्मा की फीस बिल्कुल बराबर है, जो कंप्लीट पैकेज बन रही है वो है 84,08,000 रुपीज की कंप्लीट पैकेज बन रही है, जिसमें पर ईयर फीस है 28 लाख रुपीज पर एनम। जो बाकी ब्रांचेस हैं उनकी, उनके लिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हो करियर मीडिया से। तो ये हुई बात, ये जो कॉलेजेस हैं इन्होंने अपनी डीम्ड, ये जो सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं इन्होंने अपनी फीस स्ट्रक्चर डिक्लेयर की है। और अगर आपको इनकी इन यूनिवर्सिटीज की फीस स्ट्रक्चर देखनी है किसी भी ब्रांच के लिए, क्योंकि मैंने कुछ ही ब्रांचेस हैं जिनके बारे में आपको बताया है, तो इनके अलावा जो भी अदर ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस के लिए आप इन कॉलेज फीस स्ट्रक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से। और एक मैसेज जो करियर मीडिया से उनके सभी पेड मेंबर्स के लिए है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं, कि जो भी हमारे पेड मेंबर्स हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मंडे से उनकी जो सर्विसेज हैं, उनकी जो नोटिफिकेशंस हैं, वो सारी उन्हें मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि मंडे से आप लोगों को आपको आपकी जो सारी नोटिफिकेशंस है, चॉइस फिलिंग और DNB, जो DNB के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं उनके लिए, DNB के जो कॉलेजेस हैं उनकी जो चॉइस फिलिंग है, उन्हें क्या क्या कितने कितने मार्क्स पे मिल सकती है, ये सारी नोटिफिकेशंस आपको मंडे से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर हूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि जो भी अपडेट्स हो वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक यू सो मच।